सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडस के रिसेंट कम्युनिटी प्ले टेस्ट के बारे में, जो कि यहां पर सूरत में ऑर्गेनाइज कराया गया था 25 फरवरी को। एंड इस प्ले टेस्ट में मैं भी गया था, एंड जहां पर मैंने जाकर के इंडस गेम खेला, एंड मुझे ये गेम कैसा लगा एंड क्या प्रोज है, क्या कौन सा इस गेम के, सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक गेम का यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो होता है उसका गेम प्ले। तो सबसे पहले बात करते हैं गेम प्ले की। मैप में जाते ही सबसे पहला पार्ट होता है वो है लैंडिंग का। अभी तो प्लेयर यहाँ पर स्काई में किसी भी पॉइंट पे स्पॉन हो जाता है एंड देन लैंडिंग स्टार्ट हो जाती है। ना ही यहाँ पर कोई एरोप्लेन है या फिर कोई ऐसा UFO टाइप का स्पेसशिप कुछ भी नहीं देखने के लिए मिला। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जब गेम फाइनल लॉन्च होगा तब उसमें में भी शायद से पोर्टल्स या फिर स्पेसशिप कुछ तो यूज करा ही जाएगा। एंड इसके बारे में मैं और डिटेल्स लेके आप लोगों को फ्यूचर में बताऊंगा कि बेसिकली ये जो लैंडिंग का पार्ट है इसको गेम में कैसे इंट्रोड्यूस करा जाएगा। एंड अभी तो प्लेयर जो है वो सिंपली स्पॉन होता है एंड देन लैंडिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो लैंडिंग का एनिमेशन है एंड यहाँ पर जो फिजिक्स यूज करा गया है वो काफी अच्छा है। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो है यहाँ पर गेम की प्लेयर मूवमेंट। तो प्लेयर मूवमेंट काफी ज्यादा अच्छी है। FPP में तो और ज्यादा मजा आता है, TPP भी अच्छी है, लेकिन TPP में थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है लिटिल बिट। बाकी जो यहाँ पर प्लेयर मूवमेंट है वो काफी अच्छी है, बट मुझे FPP मोड में खेलने में और ज्यादा मजा आया। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इसका गन प्ले, एंड वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ऐसा लगता है कि गन प्ले में बहुत ज्यादा वर्क किया गया है। इसमें रिकॉइल भी परफेक्ट था एंड स्कोप एनिमेशन भी अच्छे थे एंड एम वगैरह सब कुछ अच्छा था। एक शूटर गेम में यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका गन प्ले, एंड जिस पे इंडस ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है गेम में एनिमेशंस। तो गेम में एनिमेशंस भी काफी अच्छे हैं, चाहे हम लोग बात करें रनिंग एनिमेशन की, लैंडिंग एनिमेशंस की, सारे एनिमेशंस काफी परफेक्ट लगे। एंड गेम के अंदर आप लोगों को जायरोस्कोप भी मिलता है एंड आप लोग यहाँ पर जो है ना गेम में सेंसिटिविटी भी कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बस अगर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है वो है यहाँ पर TPP मूवमेंट के एनिमेशंस में। बेसिकली यहाँ पर जब रोटेशन के टाइम पे जो है ना वो हेड की भी थोड़ी सी मूवमेंट होनी चाहिए, वहां पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। गेम का जो गेम प्ले है वो समझिए आप लोग एपेक्स एंड COD लेवल का है। एंड मैं यहाँ पर एज अ फीडबैक कुछ और फीचर्स ऐड करना चाहूंगा जो कि होते तो और ज्यादा मजा आता गेम प्ले में, जैसे कि लेज क्रैप का। PUBG वगैरह में जैसे प्लेयर लेज क्रैप करके चढ़ जाता है कंटेनर्स वगैरह में, सो वैसा कुछ होता तो और ज्यादा मजा आता। एंड गेम में यहाँ पर पीक का भी ऑप्शन होना चाहिए था। एंड अभी गेम में यहाँ पर थ्रोएबल्स एंड नाइफ्स वगैरह नहीं है, लेकिन टीम ने बोला है कि वो उनको भी ऐड करने वाले हैं, क्योंकि बेसिकली गेम में सारी चीजें हैं, स्लाइडिंग है एंड एवरीथिंग है। सो अगर आप में से भी किसी को लगता है कि कुछ और फीचर एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है तो वो भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों का फीडबैक टीम तक पहुंचा दूंगा। अभी हम लोगों ने यहाँ पर गेम के सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट गेम प्ले के बारे में बात कर ली है एंड अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गेम में कंटेंट क्या क्या है। सो बेसिकली गेम के अंदर अभी आप लोगों को 3 मोड्स देखने के लिए मिलते हैं। पहला तो अपना बैटल रॉयल है, दूसरा फ्री रोम है जिसमें यहाँ पर प्लेयर वर्सेस AI होता है, सामने AI प्लेयर्स होंगे। एंड थर्ड है अपना फायरिंग रेंज, जहाँ पर मस्ट आप लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। एंड करंट टाइम पे गेम में पूरे 7 करेक्टर्स हैं, जिनमें से सबसे पहला करेक्टर है एडम, आद्या, नल, वॉइड एंड हमारे बिग गज एंड सरताज। एंड रिसेंटली ही यहाँ पर एक न्यू करेक्टर भी ऐड हुआ है जिसका नाम है मोरनी। एंड रिसेंट प्ले टेस्ट में हम लोगों ने मोरनी करेक्टर को भी देखा है एंड सारे करेक्टर का जो डिजाइन है वो पूरा ऑसम है। एंड यहाँ पर जितने भी करेक्टर्स हैं ना, जब आप लोग उनको सेलेक्ट करते हैं तो लॉबी में आप लोगों को सभी करेक्टर्स का डिफरेंट एनिमेशन देखने के लिए मिलता है। एंड करेंटली गन्स की बात करें तो गेम में यहाँ पर पूरी 8 गन्स हैं एंड रिसेंट प्ले टेस्ट में भी यहाँ पर एक गन ऐड हुई है, तो टोटल 8 गन्स हो गई हैं अब। एंड गन्स में भी हम लोग को डिफरेंट टाइप की गन्स देखने के लिए मिलती हैं, चाहे वो स्नाइपर हो, SMG हो, SNL हो, राइफल्स हो। एंड इनका जो 3D लुक है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। एंड बाकी कंटेंट में अभी हम लोग के पास एक ही मैप है बैटल रॉयल के लिए, वो है वीरदो, जिसका आर्ट वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। एंड गेम के अंदर बैटल पास, स्टोर एंड काफ़ी सारे स्किन्स वगैरह भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। एंड फ्यूचर में तो गेम में और भी ज़्यादा कंटेंट आने वाला है, कुछ न्यू मोड्स आएंगे, नए मैप्स आएंगे एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। एंड कंटेंट से रिलेटेड भी आप लोग अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि आप लोग को क्या चीज़ें प्रायोरिटी पे चाहिए एंड क्या न्यू कंटेंट गेम में आप लोग के अकॉर्डिंग ऐड होना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है गेम के ग्राफिक्स और गेम का UI। एंड गेम के ग्राफिक्स तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है एंड गेम में आप लोग हाई, मीडियम, लो सारे टाइप के ग्राफिक्स अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग UI के बारे में, तो UI थोड़ी सी मुझे लेस रिस्पॉन्सिव लगी, क्योंकि कुछ टास्क यहाँ पर मल्टी टैप पे परफॉर्म हो रहे थे एंड टीम के साथ भी मैंने ये फीडबैक शेयर कर दिया था, सो वो भी यहाँ पर बहुत ही जल्दी फिक्स हो जाएगा। सो ओवरऑल बात करें अगर गेम की, तो गेम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है
एंड दैट विल बी द बेस्ट गेम ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया से निकलने वाला है एक FPS शूटर गेम। एंड टीम का भी गोल यही है कि उनको बेस्ट इन द वर्ल्ड बनना है। एंड ये मैंने डेडिकेशन एंड जो प्रोडक्ट है वो देख के लगता भी है कि बहुत ही जल्दी जो गेम है वो भी यहाँ पर बेस्ट शूटर इन द वर्ल्ड की लिस्ट में आएगा। सो ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन कि मुझे यहाँ पर गेम कैसा लगा एंड क्या क्या चीज़ें थी। मैंने आप लोगों को गेम की अच्छाइयाँ भी बताई, कुछ जो कमियाँ थी वो भी बताई। एंड आप लोग अपना भी फीडबैक शेयर कर सकते हैं। एंड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।